मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि पेटीएम से रेंट पेमेंट हटने का सबसे बड़ा वजह बताएंगे और आप भी कहोगे कि पेटीएम से रेंट पेमेंट जब से हटा काफी लोगों की मुसीबत बढ़ गई। लोग क्रेडिट कार्ड पैसा बैंक में आसानी से ले लेते थे और उनको प्रॉब्लम नहीं होता था। चलिए बताते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों यहाँ पे पेटीएम शुरू में जब पेटीएम आया तो पेटीएम का कस्टमर केयर नंबर एक नंबर का था, कॉल करो 100% समाधान। पेटीएम ने अपना कस्टमर टीम बनाया था, कुछ भी होता था अलग अलग नंबर था, कॉल करो आपकी हेल्प की जाएगी। पेटीएम ने इन सारे सिस्टम को एकदम ना के बराबर कर दिया, मतलब कि शायद किसी का बात हो जाए तो हो जाए, नहीं तो एकदम होना ही नहीं है। सारा सिस्टम एकदम रोबोटिंग बना दिया, सब मेरा सिस्टम रोबोट करेगा, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम। पेटीएम रेंट पेमेंट 500 लोगों ने किया, 500 लोगों में से अगर मान लो 10 लोग का पेमेंट फंस गया, रिफंड आने में टाइमिंग लग गया, अब वो क्या करते थे, ट्विटर पे जाते थे, आरबीआई कंप्लेन करते थे। बहुत सारी शिकायत अगर आरबीआई के पास किसी भी एप्लीकेशन ऐप के या बैंक के बारे में अगर पहुंचता है तो जो बैंक उस पर आरबीआई कड़ा एक्शन लेता है। अब यहाँ पे पेटीएम का सिस्टम क्या था कि अगर पेमेंट फेल्ड हुआ तुरंत पैसा आपका रिफंडिंग के लिए प्रोसेस होता था, जहां से डेबिट हुआ वहां पे क्रेडिट होने के लिए प्रोसेस होता था। बट यहां पे ये चीजें काफी लोग के संग हुआ, पैसा नहीं आया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इस पे काफी ज्यादा शिकायत पहुंच गई और आरबीआई ने बोला कि नहीं भैया अभी आप इसको बंद कर दो, कुछ चीजें आपकी चालू रहेगी, कुछ चीजें आपकी बंद रहेगी और काफी सारे रूल और नियम के अंदर आपको दायरे में रहना पड़ेगा, अभी वॉलेट भी काम नहीं कर रहा है। तो मित्रों ये गलती कुछ कस्टमर की थी और कस्टमर से अधिक पेटीएम की थी। भाई आप बताओ, आप पूरे इंडिया में छा गए हो, आप सर्विस दे रहे हो, अपना कोई कस्टमर नंबर तो रखो। पेमेंट फेल्ड होता है आदमी क्या करेगा, फोन करेगा, और नंबर नहीं मिलेगा तो दिमाग खराब होगा। तो इसीलिए अपना एक सर्विस नंबर होना जरूरी है। आप कोई बिजनेस करते हो, अगर आपका कोई कस्टमर सपोर्ट टीम नहीं है तो आपका वो बिजनेस पूरी तरीके से रन नहीं कर पाएगा। सब पढ़े लिखे नहीं है, सबके पास उतनी दिमाग नहीं है, समझे ना। अगर आपका 10,000 रुपया आपने पेमेंट किया फेल्ड हो गया तो आप 10,000 वाले हो, करोड़ वाले नहीं हो। इस कंडीशन में आपके पास वही उम्मीद था, वो भी चला गया, क्या करोगे, आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा, यहां वहां वीडियो देखोगे, उनसे बोलोगे ये करो करो। तो और जो जिनके पैसा है, 10,000 गया चलो क्या दिक्कत है यार, आएगा आज नहीं तो कल, टेंशन फ्री रहते हैं। तो मित्रों ये गलती पेटीएम ने किया और पेटीएम ये गलती करता चला जा रहा है, पेटीएम ये गलती करता चला जा रहा है। वैसे पेटीएम में दिक्कत तो नहीं है, हर चीज में काफी बढ़िया है, हर दुकानों पर लगा है, बट पेटीएम अगर इसको और इंप्रूव कर ले, मुझे लगता है कि पेटीएम सब कोई नहीं था, एक कहानी थी जो मैंने आपको शेयर किया। आप बताना आपको क्या पता है और गलती किसकी थी। लोग ऐसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।